शख्स पे को आराम से इन्फ्लुएंस किया जा सके जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना। आसिम अली शाह साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है वो दी है शिवाजी, वो पॉलिटिक्स के जरिए भलाई लाना चाहते हैं। और जहाँ तक एक स्टेटमेंट थी उनकी नौजवान साहब के बारे में वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। और जहाँ तक एक पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी की बात है तो उस पर उनकी तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ और मैं हूँ राधा शाह। आज मौजूद हूँ मैं FC कॉलेज में एक नए सवाल के साथ लोगों से पूछने के लिए कि कासिम अली शाह कंट्रोवर्सी के बाद जो अवाम का रवैया सामने आया है, कासिम अली शाह की एंटी इमरान खान स्टेटमेंट के बाद अवाम की जो तनकीद सामने आई है, क्या वो जायज़ है या नहीं? तो आइए जानते हैं कुछ लोगों से उनकी राय कि उनकी इस मामले पर क्या राय। कासिम अली शाह वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अवाम को मोटिवेट किया है, और जो मैंने इन तमाम चीज़ का क्रक्स निकाला है वो ये निकाला है कि वो पॉलिटिक्स के ज़रिए भलाई लाना चाहते हैं। और जहाँ तक एक पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी की बात है तो उस पर उनकी तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है, जिस तरह के हर एक सिटीज़न का जायज़ है। और उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, और अगर वो पॉलिटिक्स के ज़रिए या अपनी फाउंडेशन के ज़रिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। कासिम अली शाह पर जो आजकल तनकीद चल रही है उनके एंटी इमरान खान स्टेटमेंट के बाद, तो आपके ख्याल में क्या सोशल मीडिया को इस तरह रिएक्ट करना चाहिए? जो जिस किस्म की एक्सट्रीम ट्रोलिंग हो रही है, क्या वो जायज़ है? कासिम अली शाह क्योंकि खुद एक पब्लिक फिगर है तो उनको ऐसी स्टेटमेंट्स देने से अवॉइड करना चाहिए जिससे किसी की पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हो या जिससे वो किसी का पॉलिटिकल बिलीफ शेप कर सके। तो उनको ये चीज़ सेफ नहीं रहती कि वो आगे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो पब्लिक स्टेटमेंट्स देखा जाए। तो कासिम अली शाह साहब का जो कमेंट था, स्टेटमेंट जो थी उनकी इमरान खान साहब के बारे में, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी किसी भी तरीके से अगर देखा जाए। लेकिन हमें ये एक फैक्टर जहन में रखना चाहिए कि कासिम अली शाह साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है वो दी है शिवाजी साहब को मिलने के बाद। सो उसमें अगर देखा जाए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हर हल्का इमरान खान साहब के इस टाइम के ख़िलाफ़ है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। तो एक ऐसे शख्स पे को आराम से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मे बी ही वॉज मैनिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, हो सकता है शिवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला हो, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर हो, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से प्रेशर हो, जिसकी वजह से उनको ये स्टेटमेंट देने पर वो मजबूर हो गए। तो मुझे नहीं लगता आवाम को इस तरह का रद्दमल देना चाहिए। ज़रूर उनको उनकी गलती हाईलाइट करनी चाहिए कि उन्हें इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, बट इट शुडंट बी बिलो द बेल्ट। एक हद में एक जायज़ तनकीद करनी चाहिए, और जो ट्रोलिंग है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें असल हकाइक अभी नहीं पता इस स्टोरी के, वो असल हकाइक अभी शायद बाद में सामने आए।